यूट्यूब चैनल STD95 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा गन्ने का जो सट्टा होता है वो दोस्तों किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आप गन्ना समिति के जो अगर नए मेंबर बनना चाहते हैं और दोस्तों आपको अगर ऑनलाइन करना के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें टाइप कर लेना है canup.in, इस तरह से canup.in, इस तरह से आपको इसमें टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली वेबसाइट canup.in लॉगिन पेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर। इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर आ जाएगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, ये जो मेन वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग की, इस वाली वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है किसान भाई आंकड़े देखने के लिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस आंकड़े देखे वाले इस ब्लैक वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर। तो साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाटा देखने के लिए कैप्चा डालें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये वाला जो कैप्चा दिया हुआ है, ये वाला कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। दोस्तों सेम कैप्चा जैसे ही दिया हुआ है दोस्तों, वैसे ही कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों कैप्चा फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्यू वाला। दोस्तों ऐसे आप व्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक नई वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास UGC कोड है दोस्तों आप इसे सर्च करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस साइट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन, तो आपको दोस्तों इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको न्यू मेंबरशिप, अगर आप गन्ने का सट्टा ऑनलाइन करना चाहते हैं नए तरीके से दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन मिलता है रेवेन्यू डाटा का। अगर दोस्तों अपना घोषणा पत्र यानी रेवेन्यू डाटा यानी जो राजस्व का डाटा होता है वो अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं घोषणा पत्र, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की शिकायत करनी है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फाइल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन चुन लेना है। तो मैं यहाँ पर अगर दोस्तों आपके उस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन गन्ने का जो मेंबर समिति का जो भी सदस्य बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सट्टा ऑनलाइन करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी न्यू मेंबरशिप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो न्यू मेंबरशिप यानी न्यू गैरोर मेंबरशिप का जो फॉर्म है वो इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पर जिस भी जिला के निवासी हैं आपको यहाँ पर अपने जिला के दोस्तों अपना जिला है और उसको आपको यहाँ पर अपना टाइप कर देना है। जिला टाइप करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी समिति, आप जिस भी समिति से हैं, जैसे यहाँ पर आपके ज़िले में जितनी भी समिति गन्ना समिति होंगी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी समिति यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी फैक्ट्री यहाँ से चूज कर लेना है। आप जिस भी फैक्ट्री को यहाँ पर चूज़ करेंगे वही फैक्ट्री में आप अपना गन्ना डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो भी गांव है यहाँ से अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर अपना गांव डाल देता हूँ, गांव दोस्तों यहाँ पर अपने गांव के जो भी कुछ करेक्टर यहाँ पर डालेंगे तो आपका गाँव यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है किसान का नाम, तो दोस्तों आपको अपना किसान का नाम इंग्लिश में यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, किसान का नाम फिल करने के बाद दोस्तों उसके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर लेडीज़ है तो दोस्तों उसके पति का नाम, अगर दोस्तों किसान यानी पुरुष है यानी मेल है तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसके पिता का नाम फिल कर देना है। दोस्तों इसके पिता या पति का नाम फिल करने के बाद दोस्तों किसान का मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना है। मोबाइल नंबर इसमें फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कृषि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो दोस्तों अगर आपका जो भी जितनी भी बीघे में आपने अपना गन्ना बोया है तो दोस्तों आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके दोस्तों आपकी खतौनी पर दिया हुआ होगा हेक्टेयर में, दोस्तों आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इसे फिल कर देता हूँ,
दोस्तों मैंने यहाँ पर एक हेक्टेयर 1 हेक्टेयर दोस्तों 1.232 अगर मैंने इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका अगेती पौधा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपका सामान पौधा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना हेक्टेयर में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है अगेती पौधा शरद ऋतु का है, दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। अगर दोस्तों आपका सामान पौधा है शरद ऋतु है तो उसे हेक्टेयर में यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे शिक्षा का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी शिक्षा यानी जो भी आपकी एजुकेशन है दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैं यहाँ पर 10th पास डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपनी कास्ट यानी जो भी किसान है उनकी आपको यहाँ पर कास्ट डाल देनी है। अगर दोस्तों आपकी यहाँ पर SC ST जनरल OBC जो भी कास्ट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर लिंग, यानी अगर आप पुरुष हैं तो दोस्तों मेल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप महिला हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर पुरुष हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों उम्र, तो दोस्तों आपको उम्र आपके आधार कार्ड पर लिखी हुई है, आपको दोस्तों वर्ष में उम्र निकाल कर यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन मिलता है, दोस्तों आपको अपनी यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। जो सी बैंक जो भी बैंक आप इसमें लगाना चाहते हैं दोस्तों, अपना जो भी एक अकाउंट यहाँ पर डाल देना चाहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ पर चूज़ कर लेना। आपका जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है वो दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर IFSC कोड ये दोस्तों सर्वर से ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बैंक शाखा, तो दोस्तों आपको अपनी शाखा जो भी है आपकी वो शाखा डाल देनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना बैंक खाता संख्या इस वाले कॉलम में फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक खाता संख्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट किसान की एक यहाँ पर फ़ोटो लगा लेनी है। इस तरह से दोस्तों आपको किसान की फ़ोटो यहाँ से आपको चूज़ कर लेनी है, जैसा ही दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। किसान की फ़ोटो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। आप किसी भी अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पर डाली होगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो एक स्कैन करके यहाँ पर रख लेना है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक बैंक खाता यानी बैंक खाते की जो भी फ़ोटो स्टेट है आपको यहाँ पर डाल देनी है, वो भी स्कैन, या फिर आपने अगर आपका स्कैनर नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है। और कैप्चर करने के बाद उसे क्रॉप करके यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद खतौनी, आपने जो भी खतौनी ऊपर दी है जिसका भी रकबा आपने दिया वो खतौनी दोस्तों आपको यहाँ पर चूज एंड फाइल करके यहाँ पर आपको लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो पहचान पत्र दोस्तों आपको यहाँ पर यानी आधार कार्ड आपको इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक घोषणा पत्र दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको साधन यानी आप गन्ना किस साधन से आपको डालना चाहते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कार्ट यानी बैलगाड़ी से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रॉली से 54 क्विंटल, उसके बाद ट्रॉली 81 क्विंटल, दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रॉली 54 क्विंटल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों गन्ना आपूर्ति केंद्र यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपको जिस भी गन्ना आप सेंटर पर आपको अपना गन्ना डालना है वो दोस्तों आपको अपना गन्ना दोस्तों सेंटर यहाँ से चूज़ कर लेना है। साथ ही आपको यहाँ से अपना गन्ना सेंटर चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है मेन, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के 4 दिन के अंदर अभिलेखों के साथ अपनी सम्मति से संपर्क करके 221 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप ये रजिस्ट्रेशन करके इसकी जो स्लिप निकलती है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकलता है वो फॉर्म लेकर, उसके बाद जो दोस्तों आपने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर किसान का फ़ोटो, उसके बाद बैंक खाता खतौनी और फोटो यानी आधार कार्ड, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर दोस्तों जो भी गन्ना समिति आपकी है, जो समिति आपने यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपने चूज की थी इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर जाकर आपको 221 रुपये सदस्यता शुल्क जमा करके दोस्तों आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट कर देनी है, और वहाँ पर आप सदस्यता शुल्क जमा करके अपनी सदस्यता ले लेनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों एक सबमिट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको आपके लिए जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो एक्नॉलेज नंबर है वो दोस्तों आपको जारी हो जाएगा, और जारी होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आवेदन प्रिंट करें। तो दोस्तों अभी वो
फॉर्म का जो भी डिटेल है दोस्तों वो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए जो ऑप्शन था वो दोस्तों अभी बंद किया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी साइट में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ से अपना एक लॉजिन नंबर डालकर और उसके बाद दोस्तों अपना आवेदन फॉर्म जो भी है वो प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल STD95 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।